नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम बम और न्यूट्रॉन्स बम के बारे में। सबसे पहले हम बात करें एटम बम की, तो परमाणु बम में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों का निर्माण होता है और इसके साथ ही एक विशाल राशि में ऊर्जा मुक्त होती है। देखो, परमाणु बम जो होता है उसमें एक बड़ा नाभिक होता है और वो बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है और उसके द्वारा एक विशाल राशि में ऊर्जा मुक्त होती है। आगे हम बात करें कि परमाणु बम का निर्माण एक अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें इसके निर्माण के बारे में कि इसका निर्माण किनके द्वारा होता है, तो एटम बम का निर्माण यूरेनियम 235 और ये प्लूटोनियम 239 का उपयोग इसमें किया जाता है। अब इसका यूज सबसे पहले कहां किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये भी देख लेते हैं। तो परमाणु बम का पहला उपयोग अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर, और दूसरा परीक्षण मतलब दूसरी बार अटैक किया था अमेरिका ने फेटमैन जिसका नाम था, ये जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब ये तो होगी अपनी परमाणु बम के बारे में बात। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रॉन्स बम के बारे में। तो देखो, न्यूट्रॉन्स बम का निर्माण 1977 में अमेरिका द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन्स बम में हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना शक्तिशाली होता है। जो न्यूट्रॉन्स बम होता है वो परमाणु बम या एटम बम के बजाय 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रॉन्स बम की, तो इसमें केवल और केवल मनुष्य और पेड़ पौधे को क्षति होती है। मतलब वो जो न्यूट्रॉन्स बम होता है इसमें सिर्फ मनुष्य जीव जंतु हैं और अपने पेड़ पौधे हैं, इनको ही क्षति होगी। बाकी जो इमारत घर वगैरह जो भी है उनको कोई भी किसी भी तरीके की हानि नहीं होती है। अब अगर हम बात करें इसकी देखो निर्माण की, तो इसके निर्माण में 232 यूरेनियम 233 यूरेनियम 234 और यूरेनियम 235 36 और 37 और 38 भाई इनका यूज इसमें किया जाता है। अगर हम बात करें कि भाई इनमें भी सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना यूरेनियम 238। और आपको साथ साथ में जो पीपीटी के माध्यम से भी यहाँ पे साथ में दिख रहा होगा।